स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी एक बड़े लिंक को कैसे शॉर्ट किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चैनल का URL बहुत लंबी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे क्या करना है ना, मेरे चैनल को URL को मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लिंक बहुत बड़ा है। इसको शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेनी है लिंक शॉर्टनर। जब आप यहाँ पर लिंक शॉर्टनर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगा bitly.com, वहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट टर्म ईयर लिंक। यहाँ पर आपको आप जिस लिंक को शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए और शॉर्ट टर्म ऑप्शन है उसके नीचे वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लिंक शॉर्ट होकर आ चुकी है। अब उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा लिंक था, अब वो शॉर्ट होने के बाद इतना बहुत छोटा हो चुका है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उस शॉर्ट लिंक को हम ओपन करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिंक जो शॉर्ट लिंक है वो अब ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल आ चुका है। ऐसे ही आप किसी भी URL को आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड बाय।